जब आग लगे तब पानी काम आए। पानी में ही आग लग जाए फिर कौन बुझाए। पानी में लगी आग कहीं देखा है। क्या पानी में आग चमत्कार है। जहां आग बुझती है वहां आग कैसे लगती है। क्या पानी में आग लग सकती है। पानी में आग की अबूझ पहेली क्या है। धधक उठी नदी। जी हाँ, एक आग का दरिया है। फिल्मों में, नॉवेलों में, किताबों में, सिनेमा में आपने आग का दरिया खूब सुना और देखा होगा, मगर आज हम आपको हकीकत में आग का दरिया दिखाने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है धधक उठी नदी। मैं हूं जब्बार खान। हम कई बार पानी में आग लगाने वाली, आग लगने वाली कहावत सुनते और कहते भी हैं। हम ये भी मानते हैं कि पानी में आग कभी लगाई ही नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं कहूं कि पानी में आग भी लग भी सकती है और लगाई भी जा सकती है, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्यों? पानी से आग बुझती है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जानने के लिए देखते रहिए धधक उठी नदी। तो R9 के इस कार्यक्रम को देखने के बाद अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि पानी में आग लग सकती है तो कहिएगा हां, मगर क्यों पानी में आग लग सकती है, कैसे पानी में आग लगाई जा सकती है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पानी में आग का जिक्र इसलिए आज हम कर रहे हैं क्योंकि खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां एक नदी में एकाएक आग धधकने लगी। आखिर वजह क्या थी, कौन सी नदी है, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत इस रिपोर्ट से। पेट्रोल में लग जाए आग कोई बात नहीं, कार में आग लग जाए हैरानी नहीं, बिल्डिंग में आग लग जाए आश्चर्य नहीं। जब पानी आग आग हो जाए तो क्या कहेंगे। पानी में आग लगने की खबरें तो आपने कई बार सुनी होंगी, तस्वीरें भी देखी होंगी। जैसे कुछ देर पहले हमने आपको पानी में आग की कई तस्वीरें दिखाई। मन तो नहीं मानता, लेकिन दिमाग का क्या करें, जो पानी में आग देखने के बाद सोचने पर मजबूर है। अब इस बड़ी सी नदी को देखिए, जहां आग की लपटों और धुएं के गुबार से न सिर्फ इलाका काला हो चुका है बल्कि आसमान भी धुआं धुआं है। इस नदी में आग की कहानी बताएं, इससे पहले आपको पानी में आग लगने की सच्चाई के बारे में बताते हैं। पेट्रोल की मदद से पानी में आग लग सकती है, गैसोलीन की मदद से पानी में आग लगाई जा सकती है, ठोस सिल्वर नाइट्रेट और पाउडर मैग्नीशियम से पानी में आग लग सकती है, सोडियम मेटल की मदद से पानी में आग लगा सकते हैं, थिनर की मदद से भी पानी में आग लग सकती है। ये तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी नदी हो, झरना हो, तालाब हो, अगर उसमें आग लग जाए तो हैरान होना लाजमी है। जैसे इस नदी में भयंकर आग है। आग कैसे लगी, क्यों लगी, या फिर किसने लगाई, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। अब इस नदी में आग की हकीकत और पूरी कहानी जानिए। दरअसल इस नदी का नाम बुरही दिहिंग है, जो असम में डिब्रूगढ़ में है। तेल रिसाव की वजह से नदी में आग लग गई। इस आग और उससे उठे धुएं से आसपास का इलाका दहशत में आ गया। खबरों के मुताबिक पाइपलाइन में धमाके के बाद ऑयल का रिसाव पानी में हुआ और उसके बाद नदी में ये भयंकर आग लगी।
आग और धुएं का जो गुबार उठ रहा है उसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई और सोचने पर हर कोई मजबूर हो गया कि कैसे पानी में आग लग गई। नदी में लगी आग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नदी में आग की बड़ी लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्लांट के एक वाटर लाइन है जो सीधे नदी से जुड़ा था और उसमें धमाके के बाद ये आग लगी। कुछ ग्रामीणों को शक है कि उपद्रवियों ने नदी में तेल आने के बाद उसमें आग लगा दी। भले ही इस नदी में आग की वजह तेल का रिसाव हो, लेकिन जिस पानी में आग के शोले ठंडे पड़ जाते हैं उस पानी में आग की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आगे हम आपको पानी में आग की कई और तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप हैरान होंगे, क्योंकि पानी के बौछार के बीच आग धधकती रहे तो विज्ञान और चमत्कार किस पर भरोसा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्योंकि पानी में अगर आग लग जाए तो हैरानी होगी ही, क्योंकि पानी में आग कोई साधारण बात नहीं। चलिए अब आपको हैरान करने वाली पानी में आग की कई तस्वीरें दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जिसके बाद में आप विज्ञान चमत्कार किस पर भरोसा करेंगे ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी की बौछारों में आग देखिए। पानी के अंदर से निकलती ज्वाला देखिए। तालाब में धधकती आग देखिए। नदी में इन शोलों को देखिए। पानी में आग को देखकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन पानी में आग लगने की वाजिब वजह भी होती है। क्योंकि पानी में आग लग जाना कोई मामूली बात नहीं, इसलिए अब हम आपको पानी में आग की कई अचंभित करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को ही देखिए। तस्वीरें कहां की हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन पानी के बीच इस झरने में जल रही आग कई सवाल कर रही है। पानी की आवाज से समझा जा सकता है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। बावजूद इसके झरने में ये आग बुझ नहीं रही। अब इस आग के पीछे वजह क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि घने जंगल के बीच झरने का शहर या गांव से कोई संपर्क नहीं, ना ही इस झरने के आसपास से कोई ऑयल की लाइन निकलती दिख रही है जिसके रिसाव के चलते आग लगने की कोई संभावना हो। अब इस आग को देखकर हैरानी ना हो, सवाल ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में गंदे पानी के बीच से रह रहकर आग निकल रही है। तस्वीरों को देखकर यह भी समझा जा सकता है कि पानी के नीचे जहां से आग निकल रही है उसके आसपास से कोई तेल की पाइपलाइन गुजरती हो और उसके फटने की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जहां पर यह पानी है वहां से कुछ ही दूरी पर घर दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है तेल रिसाव की वजह से पानी में रह रहकर ये ज्वाला उठ रही। आगे हम आपको पानी में आग की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक शख्स स्विमिंग पूल में आग लगाने की कोशिश करता है। कुछ केमिकल्स की मदद से यह शख्स स्विमिंग पूल में आग लगाने में कामयाब भी हो जाता है।
और उसके बाद वो कुछ केमिकल्स की मदद लेता है जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में जल रही आग को बुझा भी देता है। तो देखा आपने कैसे केमिकल की वजह से पानी में आग बेहद आसान तरीके से लगाई जा सकती है। अब आप इस तस्वीर को ही देखिए, कैसे तालाब में पानी के बुलबुलों के बीच आग धधक रही है। अगर आप फिर से ये सोच रहे हैं कि यहां भी कोई तेल पाइपलाइन फटने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर से ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि जिन पानी के बुलबुलों के बीच से आग धधक रही है, ठीक उसी जगह पर आसपास में कई जगहों से पानी के बुलबुले निकल रहे हैं, लेकिन वहां कोई आग नहीं है। अब इसे आप क्या कहेंगे ये सोचिए। अब आखिर में एक ऐसी तस्वीर देखिए जहां नदी में शोले भड़क रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से हैं, जहां पर क्वींसलैंड के कोनमाइन नदी में आग लगी है। ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, इसके बारे में आपको बताएं। इससे पहले आपको ये बता दें कि तस्वीरें काफी पुरानी हैं। नाव पर बैठे शख्स ने जैसे ही लाइटर जलाया वैसे ही पानी में आग लग गई। जब आग लगने की वजहों की पड़ताल की गई तो पता चला इस नदी के आसपास मीथेन गैस के कई कुएं हैं और उन कुओं से गैस रिसाव की वजह से नदी के ऊपरी सतह पर मीथेन गैस तैर रही है, जिसके चलते लाइटर जलाते ही नदी में आग लग गई। पानी में आग लगने की और न जाने कितनी तस्वीरें होंगी, लेकिन पानी में आग लगने की कहावत क्यों है, शायद वजह यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।